नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर वर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ। तो आज फाइनली मैं आ चुका हूं धनबाद टोयोटा पे। अभी आप देखो यहां पे शाम का टाइम है और इनोवा क्रिस्टा का फेसलिफ्ट जो है वो आ चुका है यहां पे। ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से महिंद्रा ने काम किया था ना, पहले स्कॉर्पियो एन आई, उसके बाद जो है जो उनका क्लासिक वेरियंट था उसमें जो है उन्होंने फेसलिफ्ट आ गए लेके। ठीक है, तो सेम तरीके से जो है यहाँ पर आपको क्रिस्टा के अंदर भी जो है फेसलिफ्ट मिल रहा है। अब फेसलिफ्ट के अंदर जो है चेंजेस क्या क्या करे गए हैं, वेरिएंट कौन कौन सा ऐड हुआ है, तो वैसा कुछ भी नहीं कि कोई वेरिएंट वगैरह जो ऐड कर दिया गया, सब कुछ पहले की तरह से ही है। GGX, VX और ZX जो वेरिएंट मिलता था आपको पहले, सेम उस तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे और देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तो फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो जो इसका ग्रिल है, पहले के मुताबिक जो है इसका ग्रिल अब आपको ज़्यादा ब्रॉड, बड़ा और वाइडर लगता है देखने में। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप समझ लो कि कोई बड़ी सी SUV हो, उस तरीके का सामने से लुक आ गया। अब चेंजेस तो है थोड़े बहुत, ठीक है, अगर आप देखोगे फ्रंट से तो विजिबल चेंजेस वगैरह जो है आपको दिखने वाला है। ठीक है, बट अभी जो आप अपने सामने वेरियंट देख रहे हो ये बेस से ऊपर वाला वेरियंट है, जो कि आपका GX वेरियंट है। ठीक है, की जो है आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है, इसमें टोयोटा का लोगो वो मिल जाएगा, दो बटन्स दिए गए हैं लॉक अनलॉक के, इनफैक्ट इसके अंदर आपको तीन चाबी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब ग्रिल अगर देखोगे तो ग्रिल के अंदर जो है सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आपको चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये सब जो है चेंज किया गया है, टोयोटा का लोगो जैसे पहले मिलता था सेम उस तरीके से आ रहा है। उसके अलावा जो हेडलैम्प का सेटअप है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है, हाई बीम लो बीम के अंदर। बेस वेरिएंट है तो बेस वेरिएंट के हिसाब से यहाँ पे आपको यही मिलेगा। अगर आप अपर वेरिएंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको प्रोजेक्टर का सेटअप है वो मिल जाएगा लो बीम के अंदर। उसके अलावा जो आपका हाई बीम होगा आपको रिफ्लेक्टर बेस मिलेगा वहाँ पे, कॉर्नरिंग लैंप वगैरह जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा जो आपका इंडिकेटर वगैरह है वो यहाँ पे मिल जाता है। फॉग लैंप का प्लेस जो है वो खाली छोड़ दिया गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल वगैरह जो है उसको करवा सकते हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो है आपको अलॉय व्हील जो है वो मिल जाता है, पहले भी मिलता था अभी भी मिल रहा है। और टोटल जो है ये 5 नट पे है, ठीक है, डिस्क ब्रेक के साथ में। और इधर अपना ORVM वगैरह जो है वो देख सकते हैं, LED इंसर्ट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं, वाइट कलर के अंदर है। रिक्वेस्ट सेंसर जो इस वेरिएंट में जो है आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप देख लो पीछे जो है आपको ड्रम ब्रेक वो मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स इधर भी मिल जाएगा। अब अगर पीछे आ जाए तो पीछे क्या क्या चेंजेस किए गए, तो पीछे की अगर बात करते तो यहाँ पे जो है आपको इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग जो वो मिल जाती है। ऐसे एज सच मुझे कोई मेजर अपडेट नहीं लग रहा पीछे की तरफ से, बट ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज करा गया है। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बता देना। हालांकि प्राइसिंग आ गई है 1999 जो है इसकी प्राइसिंग आई है, टोयोटा का लोगो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वाइपर वगैरह जो है वो मिल जाएगा, डिफॉगर जो है इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। बाकी होता अपना इधर अपना विंडशील वगैरह जो है इधर से आप देख सकते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैम्प वो मिल जाता है स्पॉइलर के साथ में, शार्क फिन एंटीना ऊपर की तरफ में वो भी आप देख लीजिए, पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, 4 पार्किंग सेंसर्स वो मिल जाएगा। वेरिएंट की ऐसा कोई बैजिंग जो है यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। अगर टेल लैम्प की बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसके टेल लैम्प को देखिए, सारा कुछ जो है यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब के अंदर मिल जाता है। ठीक है, चाहे आपका बैक लैंप हो या इंडिकेटर हो या रिवर्स लैंप हो, फिन्स वगैरह जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको, दो फिन्स वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। जो आपका बम्पर है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, कोर ड्राइवर साइड एरिया का व्यू जो है आप यहाँ से देखिए, क्योंकि बगल में एयर फॉर्चुनर लगी है तो पूरा जो है हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके का मिल रहा है पीछे का। अब दोबारा से हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में और एक बार जो आप लोग दोबारा से ग्रिल को देख लीजिए। तो जो ग्रिल का अपडेट है वो आप देखिए, ठीक है, नीचे तक जो एक्सटेंशन दिया गया है यहाँ पे आपको क्रिस्टा की इम्बोजिंग जो वो मिल जाएगी, बाकी सिल्वर इंसर्टिंग वगैरह जो है वो सभी देखने को मिल रहा है। तो फाइनली जो हम लोग चलते हैं अंदर, और अंदर चल के जो है यहाँ पे सबसे पहले इसको अनलॉक किया जाए, और अनलॉक करने के बाद जो है डोर वगैरह जो वो देख लीजिए। बेस वेरिएंट है तो सारा फीचर जो है आपको बेसिक फीचर ही यहाँ पे मिलने वाला। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड जो है आपको ऑटो का फीचर मिल जाता है विंडो के लिए। बाकी बात आपकी जो तीनों जो रिमेनिंग है वो आपको नॉर्मल फीचर उसमें मिल जाएगा। ORVM वगैरह जो इंटरनली एडजस्ट कर पाएंगे, बॉटल वोटर का स्पेस वो देख सकते हैं इधर, थोड़ा सा स्पेस इधर भी, स्पीकर की प्लेसिंग वो इधर आपको मिल जाती है। बाकी वो जो आपका पार्किंग ऑन ऑफ करने के लिए जो बटन्स वगैरह है, हेडलैम्प लेवलर वो मिल जाता है, बोनेट ओपन करने के लिए, एक जो है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। ठीक है, और ये वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पैडल्स वगैरह जो है वो भी दिख जाएंगे। स्टार्ट स्टॉप का बटन वगैरह जो इसके अंदर नहीं आएगा, आपको इग्निशन से यहाँ से ऑन करना पड़ता है। ठीक है, सीट वगैरह जो है वो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है, अपना हाइट और रिक्लाइन एंगल जो है मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए।
तो अगर इंटरनल चेंजेस की बात कर ले तो यहाँ पे ऐसा है, सच कोई मेजर चेंज आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। स्टीयरिंग व्हील जो है वो पहले की तरह से ही मिल जाता है, इसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन का सारा बटन वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इधर जो है आप अपना वो कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट वगैरह जो वो कर पाएंगे टोयोटा का लोगो वो आप देख सकते हैं। तो फाइनली जो है यहाँ पे एक बार इग्निशन को जो है ऑन किया जाए और इसको जो है एक्सेसरीज मोड पे डाला जाए। तो एक्सेसरीज मोड पे डालने के बाद जो है यहाँ पे आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 0 से लेकर 6 तक की मार्किंग जो वो दिख जाती है। डीजल वेरिएंट है, सिर्फ और सिर्फ डीजल ही आएगा 2.4 लीटर का, ठीक है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल के अंदर ही आने वाली 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, बता देता हूँ। और दोबारा से इधर चले आइए फिर स्पीडोमीटर पे। तो स्पीडोमीटर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 से लेकर 200 तक की जो मार्किंग है वो दिख जाती है। एसेल्टर के अंदर जो छोटी सी MID वो मिल जाएगी, जिसके अंदर जो आप एवरेज वगैरह है, आउटसाइड इनसाइड टेम्परेचर वगैरह है, वो सारा कुछ देख पाएंगे। उसके अलावा जो आपके डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो देख लीजिए, सब कुछ पहले की तरह से ही है। इसके अंदर जो है आपको मैनुअल AC वो मिल जाता है। जो आपका इन्फोटेनमेंट सिस्टम है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आई थिंक इसके अंदर जो आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, AM/FM वगैरह भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रोशर वगैरह जो है अभी तक मैंने भी नहीं देखा है और शोरूम पे भी नहीं आया है, ठीक है। और उसके अलावा जो ESP का बटन है वो आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर मोड, इको मोड, ये सारे कुछ जो यहाँ पे मिल जाते हैं। 12 का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस वो मिल जाता है। और जो आपका हैंड ब्रेक है वो आप इसको इधर देख सकते हैं, ठीक है। जो आपका हैंड रेस्ट है वो इधर देख लीजिए। और एक कप होल्डर जो है वो मिल जाएगा डुअल कंपार्टमेंट के अंदर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऊपर की तरफ, दूसरा जो है नीचे की तरफ है, जो कि लॉकेबल है, आपकी की से लॉक हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको 3D पैटर्न वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। और आई थिंक इसके अंदर जो आपको 2 एयरबैग्स जो है कंपनी ऑफर कर रही है, हाँ 2 एयरबैग्स जो इसके अंदर आपको मिल जाता है। जो आपका IRVM है वो ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअली करना पड़ता है। और इधर अगर आएंगे ना तो इधर आपका सनग्लास होल्डर वगैरह जो है वो भी देख लीजिए, और इधर से अपना आप रीडिंग लैंप वगैरह वो सारा कुछ देख सकते हैं। सनसेट की अगर बात करेंगे तो वैनिटी मिरर जो है वो मिल जाता है ड्राइवर साइड के लिए, को ड्राइवर साइड के लिए यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इग्निशन को जो है हम लोग टर्न ऑफ करते हैं। एक बार दोबारा से स्टीयरिंग व्हील पे आ जाइए, ठीक है। तो स्टीयरिंग व्हील में आपको किसी तरह का एडजस्टमेंट आई थिंक मिलना चाहिए। तो हाँ, इसके अंदर जो आपका जो टिल्ट एंड टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक जो वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, रीच जो आपको वो नहीं मिलने वाली है। जो आपके टॉगल्स वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का टॉगल वगैरह जो है मिल जाता है वाइपर का। इस साइड जो आपका सारा हेडलैम्प का जो कंट्रोल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग इसके इग्निशन को टर्न ऑफ करते हैं और चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे का डोर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको पावर विंडो का कंट्रोल वो मिल जाएगा, बॉटल होल्डर का स्पेस, स्पीकर की प्लेसिंग जो वो मिल जाती है। उसके अलावा जो आपको मैप पॉकेट्स वगैरह जो वो मिल जाएंगे, थोड़ा सा लोअर हम जो वो मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाता है, उसे भी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस जो वो मिल जाएगा। सीटिंग वगैरह जो है वो देख लीजिए किस तरीके की है। सेंटर के अंदर जो आपका आर्म रेस्ट है वो मिल जाएगा कप होल्डर के साथ में, ठीक है। इस टाइप का आपको पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। और पीछे जो है आपको 3 हेडरेस्ट वो मिल जाते हैं। आपका केबिन लैंप वगैरह जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको AC का सारा कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। पीछे भी जो है आपको मैनुअल वाला सेटअप ही मिलने वाला है। यहाँ पे 2 AC वेंट्स वगैरह जो वो मिल जाएंगे। उसके बाद इधर अपना जो ग्रैब हैंडल है वो देख लो, ठीक है। कोट हुक के साथ में मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का फैब्रिक मटेरियल है वो मिल जाता है सीट में। और पीछे जो है आपको 2 सीट बेल्ट मिल रहा है मिडिल रो के लिए, और बीच वाले के लिए जो है जो मिडिल पर्सन होगा उसके लिए जो आपको लैप बेल्ट वो मिल जाएगा। अब अगर पीछे आ जाए तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दिया गया है बूट को ओपन करने के लिए। तो फाइनली यार हम लोग बूट ओपन करते हैं। टोयोटा का बूट भारी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सीट्स वगैरह जो है वो फोल्ड की हुई है 3rd row की। तो बूट स्पेस फिलहाल जो आपको ज़्यादा दिख रहा होगा तो ये वाला जो है ऊपर चलाएगा, बस देखता हूँ आता है या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो फोल्ड करने के लिए इस टाइप से, ठीक है। तो इधर आपका जो बीच वाला पर्सन होगा उसके लिए यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो वो मिल जाता है, ठीक है। और इधर अपना बूट लैंप वगैरह जो वो देख लीजिए, इधर भी आपको सीट बेल्ट्स वगैरह जो वो मिल जाएंगे। और 3rd row के लिए भी जो है यहाँ पे जो आपको AC वेंट्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली यार हम लोग इसके बूट को बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके बोनेट में। तो फाइनली हम लोग उसके इंजन कंपार्टमेंट में आ चुके हैं। और यहाँ पे जो आपको रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स था वो इस जो है अब ये इंजन जो फुलफिल कर पाएगा,
जो कि आपका RDE है, 1 अप्रैल से जो है वो अप्लाई हो रहा है इंडिया के अंदर। उसके अलावा ये इंजन जो है ये 2.4 लीटर का डीजल इंजन है, सिर्फ और सिर्फ डीजल का ही ऑप्शन मिलता है मैनुअल के अंदर, जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। जो इसके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं इस इंजन से रिलेटेड, अपने डिस्प्ले पे आप चेक कर लेना, बोनेट पे जो आपको इंसुलेशन वगैरह का वर्क जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ से साइड का व्यू जो है पूरा देख लीजिए। बैटरी जो है आपकी इधर है एक साइड की। तो फाइनली जो है हमें उसके बोनेट को बंद कर देते हैं और एक बार जो उसकी प्राइसिंग वगैरह जो है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, सेफ्टी फीचर्स वगैरह क्या क्या मिलने वाला वो सब भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चेंजेस वगैरह थे वो आपने देख लिए होंगे। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट जो है इसके अंदर नहीं आया है, थोड़ा सा फेसलिफ्ट है, बट जो ये गाड़ी है ना ये बिल्कुल रॉक सॉलिड उस तरीके से है, ठीक है। और सेफ्टी फीचर की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो है आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP वगैरह जो है सारा कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा जो 2 एयरबैग्स वगैरह है वो भी मिल जाता है पहले की तरह से ये सब कुछ, ठीक है। प्राइसिंग जो है वो 19,99,000 जो है वो एक्सोरूम इसकी प्राइस आ रही है, ठीक है। और धनबाद की अगर बात करेंगे तो वो क्या है जो मैं मेंशन कर दूंगा आपको डिस्प्ले पे, आप चेक कर लेना। धनबाद के अंदर जो इसकी प्राइसिंग वो अवेलेबल हो चुकी है, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, अगर आप चाहें तो शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अगर आप धनबाद से देख रहे हैं तो अपने नियरेस्ट जो है आपका धनबाद डीलर उससे आप विजिट कीजिए और यहाँ पर आके इसे आप देख सकते हैं। और अपने अगर आप किसी अदर स्टेट से देख रहे हैं तो अपने नियरेस्ट टोयोटा डीलर को विजिट कर सकते हैं, अगर वहाँ पे टोयोटा इनोवा जो आपकी क्रिस्टा है उसका फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट अगर अवेलेबल होगा उनके पास तो वो जो सारा कुछ आपको ब्रीफिंग वगैरह वहाँ पे कर देंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, तो और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि जो वीडियो अपलोड करूँगा फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।